अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू नाज किचन। तो कैसे आप सब लोग, उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और बहुत मज़े में होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही ज़बरदस्त सी एक नूडल्स की रेसिपी शेयर करूंगी। बहुत ही ज़बरदस्त ये बनते हैं, आप लोगों ने सोचा भी नहीं होगा कि इस केनॉन नूडल्स से हम इतनी ज़बरदस्त सी रेसिपी बना सकते हैं। केनॉन नूडल्स तो आपने बहुत सारे तरीक़ों से खाए होंगे, बहुत सारे तरीक़ों से बनते हैं ये, तो इंशाल्लाह आगे भी मैं रेसिपीज इसके आपको बताऊंगी और मुख्तलिफ तरीक़ों से बनते हैं, बहुत अच्छे बनते हैं। तो आज जिस तरीके से मैं बता रही हूँ तो ये आप लोगों ने कभी नहीं ट्राई की होगी, तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह आप लोग जब बनाएंगे तो आपके घर में सबको बहुत पसंद आएगी, तो रेसिपी को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने 3 नूडल्स लिए हैं, केनॉल के जो पैकेट आते हैं, आप चाहें तो 2 में भी बना सकते हैं अगर कम बनाएं। मैं थोड़ा ज़्यादा बना रही हूँ तो मैं 3 पैकेट ले रही हूँ। और ये टेस्ट मेकर जो होता है ये आपने ज़ाया नहीं करना है, इसको आप किसी भी स्पैगेटीज वगैरह घर में जो बच्चों के लिए बनाएं या कुछ भी आप बना सकते हैं उसमें डालेंगे तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। तो आप लोग ये फेंकेगा नहीं और इसको हम साइड पर रख देंगे और ये जो नूडल्स हैं इनको हम एक बाउल में निकाल देंगे। अब ये जो है हम इनको इस तरह से करके खोल लेंगे और इसको हमने चूरा नहीं करना है, इस तरह से लंबी स्टिक्स की तरह से हमने इसको तोड़ना है। तो ये देखिए इस तरह से करके तोड़ लेंगे और इसको चूरा बिल्कुल नहीं करिएगा, हमें लंबी लंबी चाहिए इस तरह। तो ये देखें इस तरह से लंबाई में इस तरह से तोड़ लेंगे इसको और इस तरह सारी मैं तोड़ लूँगी। तो ये देखें मैंने इस तरह से यहाँ पे सारी तोड़ के रख ली है और अब हम नेक्स्ट प्रोसेस पे चलते हैं। तो अब यहाँ मैंने एक फ्राई पैन ले लिया, इसके अंदर मैं 1 टीस्पून देसी घी ऐड कर रही हूँ। अगर देसी घी हो तो ज़रूर डालिएगा, उससे बहुत अच्छी खुशबू आ जाती है, और अगर ना हो तो आप बटर भी ऐड कर सकते हैं। और इसके अंदर हम ये सारे जो नूडल्स तोड़ के डाले थे इसको डाल के और थोड़ा सा फ्राई करेंगे, हल्का सा इसमें कलर आ जाए, बहुत ज़्यादा कलर नहीं आना चाहिए, हल्का सा कलर आ जाए। तो ये देखें इस तरह से करके मैं इसको चलाती रहूँगी वरना ये जल जाएंगे, इसको मीडियम फ्लेम पर आपने इसको चलाते रहने। तो ये देखें हल्का सा नीचे जो चूरा था वो थोड़ा सा कलर उसमें आ गया, तो बस बड़ी वाली बिल्कुल उसमें कलर नहीं आया, तो बस हमें इस तरह ही रखना है। और यहाँ 1 किलो दूध है मेरे पास और इसमें मैं 1/2 कप चीनी डाल रही हूँ मेजरिंग कप से, आपको कम ज़्यादा जैसा पसंद हो उस हिसाब से आप ले लीजिएगा। और दूध में बॉयल आ गया था उसके बाद मैंने इसमें चीनी ऐड कर दिया और ये साइडों से हम इस तरह से करके ले लेंगे और ताकि जले ना साइडों से दूध, और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह। अब यहाँ मैं कस्टर्ड पाउडर ऐड कर रही हूँ, वनीला कस्टर्ड पाउडर है, अगर आपके पास बाय चांस अगर ना हो, सबके घरों में वैसे तो होता है, और अगर ना हो तो आप इसमें कॉर्नफ्लोर भी ऐड कर सकते हैं। और कॉर्नफ्लोर ऐड करें तो इसमें क्या चीज़ आपने एक्स्ट्रा डालनी है मैं आपको आगे वीडियो में बताऊँगी। तो यहाँ मैं कस्टर्ड पाउडर ऐड कर रही हूँ 1.5 टेबल स्पून, और इसके अंदर हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और बस इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से, इसको मिक्स कर लिएगा। ये देखिए हो गया, अब इसको साइड पे रख देंगे। और अब यहाँ पे चीनी अच्छी तरह मिक्स हो गई है दूध में, तो अब विस्क ले लेंगे और उससे अच्छी तरह से एक हाथ से डालते जाएंगे और विस्क चलाते रहेंगे, तो इससे लम्स नहीं बनेंगे इसमें। बस इसमें कस्टर्ड पाउडर थोड़ा ही डलेगा ताकि ये क्रीमी सा टेक्स्चर आ जाए इसके अंदर, तो बिल्कुल हमें कस्टर्ड की तरह थिक नहीं चाहिए, तो बस इसमें इतना ही इनफ है। आप कॉर्नफ्लोर ऐड करें तो इसके अंदर इलायची पाउडर या फिर एसेंस कोई ऐड कर लिएगा, मैं इसमें कस्टर्ड पाउडर वनीला डाल रही हूँ तो मुझे ज़रूरत नहीं है इसमें। और अगर आपको लगे कि थोड़ा सा थिक हो गया है पकने के बाद तो आप इसमें दूध थोड़ा सा ऐड कर सकते हैं। तो बस ये साइडों से ले लेंगे, बस अब इसके अंदर हम ये जो हमने नूडल्स को रोस्ट करके रखा था तो इसको भी इसके अंदर डाल देंगे और सारे अच्छी तरह से डाल लेंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और इसको हमने कवर करके पकाना है तकरीबन 10 मिनट के लिए। नूडल्स तो बहुत जल्दी बन जाते हैं लेकिन ये थोड़ा सा हमें ओवर कुक करना है, तो इसको ओवर कुक करने के लिए आपको 10 मिनट इसको पकाना है, तो इसको हम 10 मिनट के लिए कवर कर देंगे। तो ये देखें यहाँ पे 10 मिनट हो गए इसको पकते हुए, तो ये देखें हमने इसको ओवर कुक किया है तो उसकी वजह से बिल्कुल स्ट्रेट हो गए नूडल्स, बिल्कुल भी इसमें कर्व नहीं नज़र आ रहा आपको, ये देखें ये बिल्कुल स्ट्रेट हो गई है। तो हमें इस तरह से ओवर कुक करना है, इसमें ओवर कुक चाहिए हमें इस रेसिपी के लिए। तो ये देखें इस तरह से हो गए। अब इसके अंदर थोड़ा से मैंने बादाम रखे हैं, थोड़े से पिस्ते रखे हैं,
और थोड़े से काजू लिए, तो बस बारीक कटे हुए हैं, आपको कम ज़्यादा जितना पसंद हो उस हिसाब से ले लें, और अगर पसंद नहीं है तो स्किप कर सकते हैं, और ऑप्शनल है ये, और डालेंगे तो टेस्ट अच्छा आएगा। तो बस इसके अंदर थोड़ा सा डाला, थोड़ा सा मैंने गार्निश के लिए रख लिया, और बस इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से, और उसके बाद मैं इसको उतार लूँगी और इसको ठंडा कर लूँगी। तो बस देखिए अब ये रेडी हो गया है, मैं इसका चूल्हा बंद कर दूंगी और इसको बॉल में निकाल लूँगी। तो ये देखिए अब मैं इसको बॉल में निकाल रही हूँ, और उसके बाद मैं इसको रूम टेम्परेचर पे ठंडा करके और उसके बाद थोड़ी देर फ्रिज में रख लूँगी। तो ये देखिए इस तरह से ठंडा हो गया, और इस तरह का थोड़ा थिक हो गया है। अगर आपका ज़्यादा थिक आपको लगे तो आप इसमें थोड़ा सा दूध ऐड कर सकते हैं। अब मैं यहाँ ग्लास में थोड़ा सा रेड सिरप ऐड कर रही हूँ, और इस तरह से साइडों पे इस तरह से लगा लेंगे तो इससे ग्लास अच्छा डेकोरेट हो जाता है। तो ये आप इस तरह से करके, और इसके अंदर हमने ये जो नूडल्स का जो हमने मिक्सचर बनाया है तो ये इसके अंदर डाल लेंगे। आप चाहें तो इसको इस तरह भी खा सकते हैं, बहुत ज़बरदस्त जैसे पास्ता बनता है बिल्कुल ये उसी तरह से लगता है खाने में, मगर मैं इसको फालूदे की तरह सर्व करूँगी। तो ये मैंने इस तरह से बना के और इसको ग्लास में इस तरह से डाल लिए, और इसके साइडों पे दूसरे वाले की साइड पे भी हम इस तरह से ग्लास में लगा लेंगे। तो आप एज अ डेज़र्ट भी इसको सर्व कर सकते हैं, जैसे पास्ता वगैरह हम बनाते हैं, और चाहें तो गर्मियाँ हैं तो फालूदे की तरह भी इस तरह बना के और इस तरह से भी सर्व कर सकते हैं, दोनों तरह ये बहुत अच्छा लगता है। तो ये इस तरह से दूसरे ग्लास को भी हम इस तरह से डाल लेंगे ग्लास के अंदर। और मेरे पास इस वक्त बर्फ़ नहीं थी, बर्फ़ आपके पास हो तो इसको बिल्कुल चूरा करके वो भी इसमें डालें, तो ठंडा ठंडा जितना होगा उतना ज़्यादा अच्छा लगेगा, तो बर्फ़ हो तो आप ज़रूर डालिएगा। और यहाँ पे आइसक्रीम मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ, तो आपके पास कोई भी आइसक्रीम हो आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। तो मैं इसमें एक पीस इस तरह से आइसक्रीम का कट करके आइसक्रीम डाल रही हूँ, और ऊपर से बादाम पिस्तों से इसको गार्निश कर लेंगे। तो बस अब इसके ऊपर थोड़ा सा रेड सिरप मैं इस तरह से डाल दूंगी, बहुत ज़्यादा नहीं डालना, बस हल्का सा डालना है, और दोनों में डाल लेंगे इस तरह से, और थोड़े से बादाम पिस्ते इसके ऊपर डाल देंगे। और इसके अंदर स्पून रख के और सर्व कर देंगे। तो ये हमारा बहुत ही ज़बरदस्त सा मज़ेदार सा नूडल्स कस्टर्ड फालूदा बनके बिल्कुल रेडी है, और हमें इसमें कोई सेवैयाँ वगैरह बनाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। तो ये भी रिज़ल्ट बहुत अच्छा आता है, इसमें पता भी नहीं चलता आपने नूडल्स ऐड किए हैं। तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, तो इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। गर्मियाँ हैं आजकल, तो आप बनाएं और बच्चों को भी दें, खुद भी इंजॉय करें, तो इंशाल्लाह आप लोगों को पसंद आएगा। तो रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक करें, फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करें, और मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम वॉच करें तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, और बेल के बटन को प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन करें, इससे मैं जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड करूंगी तो वो सबसे पहले आपको मिलेगी। मुझे कमेंट्स करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी एक नई और जबरदस्त सी रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।